नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच गठबंधन टूटे एक महीने का वक्त हो चुका है और उसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दर्द को बयां किया है। दरअसल बिहटा में कोइलवर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहाँ पर मानसिक रोग से जुड़े अस्पतालों का उन्होंने उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस दरमियान बेगूसराय घटना की भी चर्चा की है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दी जा रही बयानों पर भी चर्चा की है। लेकिन मंच से नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे उन्हें भारतीय जनता पार्टी की याद ताजा कर देती है। दरअसल नीतीश कुमार ने बातों ही बातों में भाजपा का जिक्र किया और कहा कि बिहार के साथ काफी गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। बात की जाए तो बिहार को जो फंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिहार लगातार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चर्चा करता रहा है लेकिन अब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई है कि बिहार को केंद्र सरकार कैसे सहायता करेगी। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इस बात पर भी जिक्र किया है कि केंद्र से मांगने के बजाय भी राज्य सरकार को पैसा नहीं दी जाती है। सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र से मांगने के बजाय अब राज्य के पैसे से बनाएंगे मेडिकल कॉलेज और उन्होंने कहा कि मानसिक आरोग्यशाला में भी उपलब्ध होगी सभी सुविधाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रोगियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उद्घाटन किया है। आज सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कार्यक्रम कोइलवर में रहा जिसके बाद उन्होंने बेगूसराय घटना सहित बिहार के तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है साथ ही बेगूसराय की घटना पर जो बयान दिया है उन बयानों को हम आपको सुनवा देते हैं। मानसिक देखिए कितना सुंदर बन रहा है और खूब अच्छा रहेगा। अगर इन्हीं को भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है तो इलाज अच्छे ढंग से करें। क्षेत्र किरण जी का क्षेत्र है, उनका तालिका पे नाम नहीं है। ये क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र किरण जी का क्षेत्र है सर, उनका नाम ही नहीं है तालिका में। आरोप भी लगा रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का नाम आया है जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये गलत है इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई या एनआईए से बात होनी चाहिए। बहुत तरह की बातें सामने आ बताइए घटना घटी है जहाँ पर तो वहाँ का ना करेगा पुलिस वाला जांच, वो जांच कर ही रहा है और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम को अपना पकड़ा है और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसमें मतलब कोई मतलब देखिए ना, सब तो जान लीजिए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। यहाँ पर कितनी कार्रवाई होती है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि पटना के गांधी मैदान में 2013 में जिस तरह से घटना हुई थी उसको लेकर के इन लोग उसका तार जोड़ रहा है कि उस समय में भी ये घटना हुई थी। याद किए रही है, बहुत अच्छा है, कम से कम 13 याद कर रहे हैं। हम लोग सबको कह दे रहे हैं याद रखना, क्या लग रहा है सुनने के बाद सारी बात सामने आ जाएगी। अभी कुछ कहना उचित नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।